सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है तो मान्यवर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST सो सिंपल ट्यूटोरियल। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द टॉपिक लाइफ विदाउट राइट्स। वी रेड 3 डिफरेंट स्टोरीज। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक rights in a democracy. Now you think that you are a victim in all these 3 cases, in Guantanamo Bay, Saudi and Kosovo. Place yourself one by one in all those situations for a moment and tell what you have wished for. आप क्या सोच रहे हैं? ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आप क्या चाहेंगे? आप तो चाहेंगे ना कि एक सिस्टम ऐसा हो जहां सभी लोगों को सिक्योरिटी, डिग्निटी और फेयर प्ले मिले, है ना? सिर्फ किसी खास कम्युनिटी को नहीं। आप ये भी चाहेंगे कि बिना कारण बताए किसी को अरेस्ट नहीं किया जाए, और यदि किसी को अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो उसे खुद को डिफेंड करने का मौका मिले, ताकि वो अपना पक्ष रख सके और खुद को निर्दोष सिद्ध कर सके, है ना? ओके, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर राइट्स। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। तो राइट्स क्या है? क्लेम है, एक दावा है। हम लोग कहते हैं ना, ये तो मेरा है, या ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। ये दावा या मांग हम किससे करते हैं? या तो अपने लोगों से, या अपने समाज से, या अपनी सरकार से। बच्चों, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब खुशी से रहना चाहते हैं, बिना किसी डर भय के। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई अपमानजनक व्यवहार हो, इसीलिए हम लोगों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, हमें कोई कष्ट ना पहुंचे। पर ऐसा हो सकता है क्या? ये एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। इसके लिए हमें भी तो लोगों से ऐसा ही व्यवहार करना होगा जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो। इसीलिए राइट्स तभी संभव है जब हमारा क्लेम दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। आपको ऐसा अधिकार नहीं मिल सकता जिससे आप दूसरों को कष्ट या नुकसान पहुंचाएं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई खेलना हमारा अधिकार है और अपने अपार्टमेंट के नीचे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें और अगल बगल के फ्लैट्स के शीशे तोड़ दें। कोसोवो वाली कहानी में अल्बेनियन लोग यूगोस्लाविया को छोड़ कहीं और क्यों चले जाएं? सब कैसे पूरे देश पर अपना दावा कर सकते हैं? क्या ये रीजनेबल बात है? इसीलिए जब भी हम कोई क्लेम करते हैं तो वो लॉजिकल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। राइट्स ऐसे होने चाहिए जिसे हर किसी को बराबर समान मात्रा में दे पाना संभव है। दरअसल हमें कोई राइट्स इसी कंडीशन के साथ मिलता है कि हम दूसरे को राइट्स को भी रेस्पेक्ट करें। ये तो हुई एक बात। अब देखते हैं दूसरी बात। जब हम कोई क्लेम करते हैं तो वो हमारा राइट नहीं हो जाता। हम सब जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज को भी स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि आखिर उन राइट्स को हम एक्सरसाइज कहां करेंगे? उसी सोसाइटी में ना जिसमें हम रहते हैं। बच्चों, हर समाज लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाता है जो हमें यह बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। समाज जिस बात को सही मानता है, सबको देने लायक मानता है, उसी बेसिस पर राइट्स मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि राइट्स की जो धारणा है वो समय और सोसाइटी के हिसाब से बदलती रहती है। 200 साल पहले जब कोई कहता कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स होनी चाहिए तो ये बड़ा अजीब माना जाता। वहीं सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोटिंग राइट्स ना होना आज अजीब लगता है। तो सोसाइटी का रिकॉग्निशन जरूरी है। अब तीसरी बात समझिए। मान लीजिए कि समाज ने किसी क्लेम को स्वीकार कर लिया, पर यदि कोई इसकी वायलेशन करे, कोई आपको आपके राइट्स एंजॉय करने में बाधा डाले, तो आप किसके पास शिकायत करेंगे? इसीलिए यदि रिकॉग्नाइज क्लेम को लिखकर कानून की शक्ल दे दी जाती है तो उस क्लेम्स को असली ताकत मिल जाती है। अब यदि कोई सिटीजन या गवर्नमेंट इन अधिकारों का वायलेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी सिटीजन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है।
उदाहरण के लिए आपको ये अधिकार है कि आप समाज में सम्मान पूर्वक जिएं और आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, पर यदि कोई भेदभाव करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट आपके अधिकार की रक्षा करेगा। तो अब हम राइट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्संस रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। तो सबसे पहले क्या है राइट्स? राइट्स हमारे क्लेम है, ऐसा वैसा क्लेम नहीं, रीजनेबल क्लेम। उसके बाद जिसे समाज की स्वीकृति हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, और जिसे कानून द्वारा मान्यता भी मिली हो, सैंक्शन्ड बाय लॉ। हो गया पूरा डेफिनेशन? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्संस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट अस सी व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की स्थापना के लिए ही राइट्स का होना जरूरी है। हम जानते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बच्चों, जब डेमोक्रेसी होगा तो इलेक्शंस तो होंगे ही, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, कोई इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए चुनाव लड़ेगा, लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए वोट डालेंगे, ढेर सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी जिसमें लोग भाग लेंगे। पर ये तभी होंगे ना जब उनके पास ये सब करने के लिए राइट्स होंगे। जब लोगों को अधिकार ही नहीं होंगे तो ये सारे काम जो डेमोक्रेसी चलाने के लिए जरूरी है, ये सब काम कैसे संपन्न होंगे? इसीलिए कहा गया है दे आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। समझ गए? ओके। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। दे एंश्योर दैट द मेजॉरिटी कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। राइट्स माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के ऑपरेशन से बचाते हैं, वे मेजॉरिटी को मनमानी करने से रोकते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटीज को डोमिनेट करना चाहते हैं। कोसोवो का केस याद कीजिए, ठीक है? ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार ही लोगों की रक्षा करना तो छोड़िए, वही उनके अधिकारों की दुश्मन बन जाती है। ऐसा कोसोवो में तो हुआ ही, श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, ये हम बाद में पढ़ेंगे। श्रीलंकन स्टेट ही वहां के तमिल्स की जान की दुश्मन बन गई थी। इसीलिए कुछ राइट्स को गवर्नमेंट के पावर के ऊपर स्थान दिया जाता है, दे आर प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट, ताकि वे उन राइट्स को वायोलेट ना कर सकें, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है, ताकि सरकार को अपनी सीमाओं का पता रहे और वे उसके अंदर रहकर काम करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर राइट्स एंड व्हाई डू वी नीड राइट्स। लेट मी स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, नाउ रीड योर बुक वंस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट यूनिट, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। टिल देन, keep reading and have a nice time. Thank you.